आज आपका इंडिया न्यूज 28 में आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरें। झारखंड के कुमार धुबी व गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र से चार मोटरसाइकिल चोर पकड़ाए। कुमार धुबी व गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र से गुरुवार को बाइक चोर गिरोह के चार सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा। साथ ही पकड़े गए अन्नू भैया के ग्यारकुंड पानी टंकी स्थित घर से चोरी की दो बाइक भी बरामद कर ली गई हैं। पकड़े गए अन्नू के अलावा शमीम अंसारी व चंदन पासवान भी ग्यारकुंड पानी टंकी का रहने वाला है। वहीं मास्टर की से बाइक टपाने चोरी वाला गौरव पासवान कुमार धुबी ओपी क्षेत्र के कालीमंडा का रहने वाला है। गैंग के अन्य दो सदस्य सलीम अंसारी एवं लाल बाबू कर्मकार फरार है। दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बंगाल के बराकर फाणी पुलिस ने गैंग को पकड़ने में मदद की है। पश्चिम बंगाल के बराकर में एक बाइक चोरी हुई थी। बड़ा बाबू रविंद्र दलोई ने बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। निरसा एसडीपीओ विजय कुमार एवं चिरकुंडा सर्किल इंस्पेक्टर योगेंद्र पासवान ने कुमार धुबी ओपी जाकर पकड़े गए युवकों से पूछताछ की। एसडीपीओ कुमार ने कहा कि पुलिस बाइक चोरी से परेशान थी, यह बड़ी उपलब्धि है। छापेमारी टीम में चिरकुंडा थाना प्रभारी प्रभात कुमार सिंह, एसआई सालो हेम्ब्रम, कुमार धुबी ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार, गल्फरबाड़ी ओपी प्रभारी वशिष्ठ नारायण सिंह एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। निरसा संवाददाता मधु गौराई की रिपोर्ट। हमारे सीमावर्ती थाने में बराकर बंगाल मैथन कुमार डूबी और गल्फरबाड़ी क्षेत्र में काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे कांड का उद्भेदन करने का, और इसके लिए हम लोग ने बहुत सतत प्रयास किया था, माइकिंग की, गुप्तचर लगाए। तो उसी क्रम में आज कुछ संदेही पकड़ाए हैं उनके निशानदेही पर, और दो मोटरसाइकिल जब्त की गई है। और अभी जो है इसमें अनुसंधान जारी है। ये कांड जो है विभिन्न थानों में दर्ज किया गया है पूर्व में, और इसी के अंतर्गत ये गिरफ्तारी और छापेमारी की गई है।